किसान भाइयों नमस्कार। मैं सुखदेव आलू सेड फार्म से बात कर रहा हूँ। बहुत से किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे थे कि सुखदेव भाई हमारे को आलू के बीज के उपचार के बारे बताओ। तो आज हम आलू बीज उपचार पे ही बात कर रहे हैं। जे मेरे पास जो दवाई है बायर की है एमेस्टो प्राइम, ये दवाई हमारी फसल को ब्लैक स्क्रब और राइजोकुटानिया जो बीमारी आती है आलू की जड़ में उससे बचाव के लिए है। राइजोकुटानिया और ब्लैक स्क्रब से हमारी फसल को बचाती है। मैं टेक्निकल की ना बात करके सीधे दवाई की बात करता हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। किसान भाइयों ये दवाई आपको बाज़ार में 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर की पैकिंग में मिल जाएगी। ये मेरे पास 1 लीटर की पैकिंग है। 100 ml दवाई से किसान भाइयों आप 19 पैकेट आलू का बीज उपचारित कर सकते हैं। 100 ml दवाई से आप 19 पैकेट आलू का बीज उपचारित कर सकते हैं। पर पैकेट 50 किलो का वेट बता रहा हूँ। और 100 ml दवाई को किसान भाइयों आप 2.5 लीटर पानी की डोज है। अगर एमेस्टो प्राइम आपके पास 100 ml है तो वो 2.5 लीटर पानी में घुलेगी। इससे ज़्यादा पानी आप नहीं ले सकते। अगर इससे ज़्यादा पानी आप लेंगे आपको दवाई का रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर पर लीटर की बात करें तो एमेस्टो प्राइम की पर लीटर की डोज है 40 ml 1 लीटर पानी में। अब आप कितने लीटर पानी में कितने लीटर दवाई घोलना चाहते हो वो आपने देखना है। मैंने आपको 1 लीटर की डोज बताई है 40 ml। अगर किसान भाइयों आप 1 लीटर की पैकिंग लेते हो तो 1 लीटर दवाई को किसान भाइयों आप 25 लीटर पानी में घोल सकते हो एमेस्टो प्राइम को। और उस 25 लीटर पानी से आप अपने आलू के 190 पैकेट को उपचारित कर सकते हो। किसान भाइयों बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, दवाई की डोज कम कर देते हैं, पानी की डोज ज़्यादा कर देते हैं। बिना किसी सोचे समझे आप बीज को उपचारित करोगे तो आपको दवाई का बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। दवाई मापने के लिए दवाई वाले कंपनी ने इसके ऊपर लेबल भी दिया है। इससे आप इसको नाप सकते हो। इसके ऊपर ये पैमाना है। इसमें आपको 84 ml 84 84 ml तक का एक साइड में पैमाना है और दूसरी साइड में 80 ml तक का है। इससे माप लें। अगर आपको दवाई कुछ कम डालनी है तो डॉक्टर के पास जो इंजेक्शन होता है उससे भी आप माप सकते हो। दवाई और पानी की डोज आपने बिल्कुल करेक्ट रखनी है। अगर आप दवाई और पानी की डोज में गड़बड़ करेंगे आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह मैं बार बार बोल रहा हूँ। बहुत से किसानों के फ़ोन आते हैं कि दवाई ने काम नहीं किया। वो दवाई काम क्यों नहीं करती? क्योंकि आप पानी की डोज और दवाई की डोज सही नहीं रखते। और बहुत से किसान भाई बोलते हैं आलू धोना, आलू के बीज को उपचारित करने की बजाय वो बोलते हैं आलू को धोना है जी। आलू धोना मतलब कि हम आलू को वॉशिंग नहीं कर रहे हैं या बाल्टी भर भर के पानी उसके ऊपर नहीं डालना है। आपने आलू को उपचारित करना है। और हैंड पंप, हाथ वाला जो स्प्रे पंप होता है वो, और बैटरी वाला, इन दोनों में से कोई पंप आपने लेना है। मोटर वाला पंप बड़ा जो आता है इंजन वाला वो यूज नहीं करना आपने क्योंकि वो दवाई को बहुत दूर तक उड़ाता है। और नोजल लेनी है ये वाले जी, गोल नोजल। इसके अलावा आपने कोई नोजल किसान भाइयों प्रयोग नहीं करनी। और जब भी आप दवाई लें बाजार से उसका बिल अवश्य लें। और खुली दवाई बिल्कुल नहीं लेनी। दुकानदार क्या करता है, इस बोतल को खोल लेता है, किसी को 500 ml चाहिए, किसी को 100 ml चाहिए, किसी को 200 ml, तो उसमें से दुकानदार निकाल के देता रहता है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। बंद पैकिंग लेनी है। दुकानदार क्या करता है, 100 ml निकाली, 100 ml उसने पानी डाल देगा। दुकानदार को आपसे कोई मतलब नहीं है, उसने अपना देखना है जी। दुकानदार से खुली दवाई बिल्कुल नहीं लेनी। बंद बोतल लेनी है। दवाई का बिल अवश्य लेना है। और बिल के साथ आपने ये, इस पे लेबल क्लेम है, ये पूरा पढ़ भी सकते हो आप। और ऊपर भी कंपनी ने ये कुछ लगाया हुआ है पंपलेट, ये भी आप पढ़ सकते हो। इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये डेट, यहाँ से डेट चेक करके लें दवाई एक्सपायर है या नहीं। एक्सपायर दवाई बिल्कुल नहीं लेनी, ये भी आपने देखना है। और दवाई लेने के बाद अगर आपके घर में या आपके पास बड़ा फ़ोन है तो स्कैन कर सकते हो। कंपनी ने स्कैनर दिया है।
कि आपकी दवाई ओरिजिनल है या नहीं है। जब आप इसको स्कैन करेंगे तो पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। ये किसान भाइयों हमने एमेस्टो प्राइम की बात की। अब दूसरी दवाई है किसान भाइयों मेरे पास बाशफ की, सिस्टीविया। ये 100 ml की पैकिंग है किसान भाइयों। इसमें आपको 50 ml, 100 ml और 200 ml की पैकिंग बाजार में मिल जाएगी। ये बाशफ की है। हम दो दवाई से अपना बीज उपचार कर रहे हैं, या तो बाशफ की दवाई से कर रहे हैं सिस्टीविया से, या बायर की एमेस्टो प्राइम से कर रहे हैं। जो बासफ की सस्टेविया है किसान भाइयों, वो भी हमारी फसल को ब्लैक स्क्रब और राइजोकुटानिया जो बीमारी हमारी फसल में लगती है फंगस, उससे बचाती है। ये सस्टेविया किसान भाइयों 6 ml दवाई 1 लीटर पानी की डोज है। 1 लीटर पानी में 6 ml डलती है। और अगर आप 100 ml की बोतल लेके आ रहे हो बाजार से, तो वो आपकी 16 लीटर पानी की डोज है। और उस 16 लीटर पानी से आप 34 पैकेट बीज का उपचारित कर सकते हो आलू का। दवाई की बिल्कुल डोज, पानी की बिल्कुल परफेक्ट डोज अगर आप करेंगे, तो आपको इन दोनों बीमारियों से बिल्कुल निजात मिल जाएगी। ये बीमारियां आपके आलू की फसल में नहीं आएगी जो मैं बता रहा हूँ, राइजोकुटानिया और ब्लैक स्क्रब। हम जितने भी किसानों का बीज जाएगा हमारे फार्म से, हम सब का बीज उपचारित करके दे रहे हैं इन्हीं दवाइयों से। अब वो किसान पे डिपेंड है वो लगवानी कौन सा चाहता है, स्टीविया लगवानी है या ये बायर के मेस्टोप्राइम लगानी है। दवाई बाजार से खुली नहीं लेनी कोई भी। इसकी भी आपने जब भी आप दवाई लें बाजार में डेट चेक करके और बिल अवश्य लें। हैंड पंप और बैटरी वाला पंप और ये नोजल, गोल वाली नोजल, यही बीज में उपचारित करनी आपने प्रयोग करनी है उपचारित करने के लिए। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या आती है किसान भाइयों, तो मेरे को आप फोन कर सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है। ये दवाई आपको बाजार में नहीं मिले दोनों में से कोई भी, तो हम आपको दूसरी दवाइयाँ भी बताएंगे कि इससे आप कर लो।